जय माता दी। दर्शक बिंद, मैं अभी अर्धकुमारी मंदिर में हूँ। मैं आपको अर्धकुमारी में श्री माता शैलपुत्री का विशाल भवन और मंदिर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। साथ ही जो श्रद्धालु पिलग्रिम श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं, उन लोगों का हुजूम और जमावड़ा भी आपको देखने को मिल रहा है। वे श्रद्धालु हैं या तो वो दर्शन करके आ चुके हैं और यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, और ये लोग दर्शन करने कुछ देर आराम करने के बाद माता वैष्णो रानी के दर्शन करने जाएंगे। तो माता शैलपुत्री का मंदिर है अर्धकुमारी मंदिर, और इसी मंदिर के प्रांगण अर्थात मंदिर तले अंडरग्राउंड में गर्भजून है, यानी कि एक छोटा सा गुफा है। माना जाता है कि जब माता रानी कटरा धाम से पैदल चली थी और उनका पीछा बाबा भैरवनाथ कर रहा था, तो माता जी आगे चलते हुए इसी गर्भजून में 9 महीने तक तपस्या करके बैठी थी। और ये गर्भजून का दर्शन बहुत विरल और मुश्किल है, और यहाँ पे नॉर्मली श्रद्धालुओं को पिलग्रिम्स को इतना जल्दी यहाँ दर्शन करने का मौका नहीं मिलता है। कभी कभी तो जो श्रद्धालु है उनको 3 से 4 दिन यहाँ इंतज़ार प्रतीक्षा करना पड़ता है इस गर्भजून का दर्शन करने के लिए। और ऐसी अर्धकुमारी मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा गुफा है, ऐसी गुफा के द्वारा आप आगे का रास्ता आप आगे गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। जैसा कि मैं भी ऐसी गुफा के द्वार के द्वारा टनल के द्वारा मैं अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ाता हूँ। जय माता दी। पूरे रास्ते को GIC से कवर करके पूरा स्ट्रक्चरल रूफ्स और उसके ऊपर GIC और नीचे की ओर फेंसिंग कम्प्लीटली फेंसिंग किया हुआ है, ताकि कोई भी श्रद्धालु जब पैदल यात्रा चलेंगे उनके साथ में कई बुजुर्ग महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, ताकि अप्रिय दुर्घटना न हो सके और बच्चे नीचे गिरे ना, किसी को चोट ना लगे, इसी को मद्देनज़र रखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल आपको देखता हुआ। और नीचे आप देख रहे हैं कटरा धाम। मैं आपको एक और बात बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी भवन में दर्शन करने के लिए आपको कई सारी सुविधाएं जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें से पिट्ठू की व्यवस्था, घोड़ों की व्यवस्था, और साथ में अगर आप कुछ मैनेज कर सकते हैं तो चोपर की भी व्यवस्था है। यहाँ 2 कंपनियाँ इन्वॉल्व है, कटरा से सांझी सत श्री माता वैष्णो देवी भवन तक जाने के लिए, और वहाँ से सांझी सत से कटरा बेस कैंप तक जाने के लिए। टोटल इसका बेस फेयर जो है अप एंड डाउन का 3,200 रुपया है, और प्रति यात्री, तो वो यात्री जो चोपर की सुविधा लेना चाहते हैं वो कटरा बेस कैंप में 3,200 रुपये का पेमेंट करके
से ऊपर की सुविधा ले सकते हैं। जैसा कि एक मनुष्य होने के नाते हमारे द्वारा कई जान अनजान में कई सारी त्रुटियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, और हमें इन गलतियों को प्रायश्चित करने के लिए और अपने सुख समृद्धि और खुशहाली जीवन और पूरे संसार के लोक पूरा वर्ल्ड में शांति की कामना के लिए कि एक ही रास्ता है जहाँ पे आप दर्शन करके माता रानी का शरण स्पर्श करके माता रानी के सामने माफ़ी मांग के आप अपनी गलती को प्रायश्चित कर सकते हैं, और ताकि हमारी सुख समृद्धि हो, हमें सुख समृद्धि मिले और ज़िंदगी खुशहाल हो, साथ ही पूरे लोक का कल्याण हो और संसार में शांति बनी रहे। और इसके साथ साथ आप घर बैठे भी एक MH1 श्रद्धा चैनल है जिसमें लगातार श्री माता वैष्णो देवी का लाइव आरती का प्रसारण किया जाता है सुबह और शाम। और टाटा स्काई में चैनल नंबर 1061 में आप ये श्रद्धा MH1 चैनल देख सकते हैं जिसके द्वारा आप श्री माता जी का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और कटरा से श्री माता वैष्णो देवी जाने के लिए कई सारे रास्ता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक है स्टेप्स के द्वारा, पौड़ी के द्वारा, और दूसरा है आपको घोड़ों के द्वारा चलने वाला स्लाइड रास्ता, और तीसरा रास्ता ये है ये नीचे से आपको दिखाई दे रहा है, ये नया रास्ता है, और ये रास्ता अभी पैदल यात्री बेसिकली ये रास्ता जो है श्रद्धालुओं को कटरा बेस कैंप से गाड़ी के द्वारा डायरेक्ट भवन तक पहुँचाने की कामना के साथ बनाया गया था, और इसमें ओनली बैटरी ऑपरेटेड कार ही चलेंगे और उसके द्वारा श्रद्धालु अपना जो यात्रा कटरा बेस कैंप से श्री माता वैष्णो देवी तक कर सकते, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये रास्ता बनाया गया था, लेकिन किसी लोकल इशू, लोकल ट्रांसपोर्ट इशू, और जैसा कि श्री माता वैष्णो देवी एक मंदिर ही नहीं, यहाँ पे करोड़ों लोग को रोज़गार मुहैया कराती है श्री माता वैष्णो देवी, जैसा कि घोड़े वाले अपने घोड़ों की सेवा श्रद्धालुओं को दे के रोजी रोटी कमाते हैं, अपने पेट पालते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं। इसी तरह पिछू में चलने वाले पिछू चला के जो श्रद्धालुओं को भवन तक पहुँचाने वाले लोग इसी तरह अपना जीवन गुजारा करते हैं, और साथ ही कई सारे ऑटो टैक्सी और होटल व्यवसायी हैं जिनको जो श्रद्धालु आके वहाँ पर रोकते हैं और वो लोग उनके द्वारा सुविधा लेते हैं और उन लोगों को भी रोज़गार मुहैया कराते हैं, उनको दो वक्त की रोटी खाने का रास्ता देते हैं, माता श्री वैष्णो देवी के आशीर्वाद के द्वारा ही होता है। तो इसीलिए मद्देनज़र रखते हुए कुछ टैक्सी वालों को ऑब्जेक्शन था कि हमारा रोजी रोटी छिन जाएगा, हमारा जो है दो वक्त का खाने का जो जरिया है वो टूट जाएगा, तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए अभी टेम्परेरी जो है नया रास्ता को फोर व्हीलर के लिए बंद कर दिया गया है और यात्री पैदल यात्रा कर सकते हैं, और पूरे रास्ते में भंडारा खाने पीने की व्यवस्था है, और श्रद्धालु को बेस्ट कैंप से कुछ भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे रास्ते में आपको चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स लगाए बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जब कभी भी उनको ऐसा महसूस हो उनको पानी की ज़रूरत है तो वो रास्ते में खरीद सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स खरीद सकते हैं, और इसी तरह किसी को अगर फिजिकल शारीरिक प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो पूरे रास्ते में 1-2 किलोमीटर के अंतराल के उसमें डिस्पेंसरी ट्रांस बोर्ड के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, और वहाँ पे डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ रहते हैं, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसा दिए वो श्रद्धालु लोग जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है वो अपनी स्वास्थ्य सेवा उनके द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। दर्शक दिन मैं अभी
सांझी छत के करीब हूँ। सांझी छत यानी कि कटरा बेस कैंप से सुपर के द्वारा जो एंड पॉइंट है जहाँ पे सुपर उतरता है उसको सांझी छत बोलते हैं। सांझी छत से जस्ट नीचे जो पैदल चलने का रास्ता है उसी रास्ते में मैं हूँ और यहीं से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। अभी आपको ये त्रिकुटा पहाड़ियों कितने विकट पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा जो पैदल यात्री पिलग्रिम श्रद्धालु के लिए जो रास्ता बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है ये निश्चित है काबिल तारीफ है। और आप देख रहे हैं आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य इन पहाड़ियों के खूबसूरत वादियों के बीच में। अभी साल थोड़ा बारिश कम होने के कारण इधर स्नोफॉल कम हुआ, अदरवाइज इस टाइम तक इन पहाड़ियों के टॉप में जो है बर्फ़ यानी कि स्नो देखने को मिलता था और यही है। और उस पार में दूर में आपको जो बस्ती दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है, कॉलोनी दिखाई दे रहा है, रेजिडेंसी एरिया दिखाई दे रहा है, यह है रियासी डिस्ट्रिक्ट। श्री माता वैष्णो देवी भी ये रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी जिले के अंतर्गत ही आता है। और ये त्रिकुटा पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में बैठी है हमारी श्रद्धेय और सबसे पूजनीय और हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था की एक प्रतीक श्री माता वैष्णो देवी। तो जब कभी भी आपको मौका मिले समय मिले वेन एवर यू आर फ्री फ्रॉम योर रूटीन जॉब वन यू कैन स्पेयर टाइम देन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय चैनल व्यूअर्स टू प्लीज विजिट दिस होली केव। माता जी का दर्शन करिए, माता जी का चरण स्पर्श करिए, इस पूरा लोक कल्याण के लिए लोक में शांति के लिए जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड माय चैनल व्यूअर्स, आदरणीय दर्शकवृंद, अभी मैं श्री माता वैष्णो देवी होली के दर्शन के अंतर्गत सांझी छत पहुँचा हूँ। सांझी छत से आपको दिखाने जा रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी का बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित और एक भव्य नज़ारा। यह है श्री माता वैष्णो देवी का विशाल मंदिर, विशाल दरबार, जहाँ पे पूरा विश्व भर से श्रद्धालु पिलग्रिम अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए और अपने खुशहाली के लिए और लोक शांति के लिए विश्व शांति के लिए यहाँ पे दर्शन करते हैं और अपना पाप का प्रायश्चित करते हैं। तो दर्शन कीजिए। ये साथ ही ऊपर आपको दिखा दूँ मैं, ये है बाबा भैरवनाथ का मंदिर जो श्री माता वैष्णो देवी मंदिर से एग्जैक्टली 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और श्री माता वैष्णो देवी से भैरवनाथ जाने के लिए आपको क्लाइंट लगभग 70 डिग्री का चढ़ाई करके 2 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ेगा। और अगर आप रोपवे के थ्रू जाना चाहते हैं तो भवन के नज़दीक से रोपवे की व्यवस्था की गई है जहां आप 100 रुपये देकर अप एंड डाउन कर सकते हैं। और इसी तरह माता रानी इन त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच में विराजमान है
और ये त्रिकुटा पहाड़ियों का बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा। और देखिए त्रिकुटा पहाड़ी कितने खड़े चट्टान और कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ी है, मैं आपको दिखा दूं। ये पहाड़ियाँ हैं और धीरे धीरे देखिए आप नीचे की ओर ले जाता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको कितनी नीचे है, कितने ऊंचे पहाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े खाई हैं। और सांझी छत से सैकेट से माता वैष्णो देवी भवन जो है लगभग 800 मीटर का दूरी है। जय माता जी।